मुंबई से बड़ी खबर। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में आज सुबह आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये आग होटल के टॉप फ्लोर में लगी। आप देखिए रिपोर्ट। दमकल विभाग के मुताबिक ट्यूब बॉयलर में टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ट्राइडेंट के ऊपरी मंजिल पर पहले धुआं नजर आया और फिर आग लग गई। टेक्निकल फेलियर क्यों हुआ इसकी जांच हो रही है। ये देखिए दूर से ही होटल के ऊपर कितना ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि दूर से धुएं का गुबार ही दिखा, आग जैसी चीजें नजर नहीं आई। होटल के ऊपरी मंजिल पर काले धुएं का गुबार उठ रहा है। इसे देखकर बिल्डिंग के बाहर मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। फायर कंट्रोल के अधिकारियों ने बताया कि जब घटना के बारे में पता चला तो टीम को रवाना कर दिया गया था। फायर ऑफिसर ने कहा कि होटल प्रबंधन की ओर से आग लगने की घटना की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। होटल के इंटरनल फायर सिस्टम से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस मामले में ट्राइडेंट होटल का बयान भी सामने आया। होटल के मैनेजमेंट ने साफ कहा कि होटल में आग नहीं लगी थी, हम चिमनी को साफ कर रहे थे, उसी का काला धुआं दिखाई दिया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल फाइव स्टार होटल में लगी इस आग के कारणों की जाँच चल रही है।